हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम 24 पैशन ऑफ लर्निंग। आज है 19 अक्टूबर 2019 और 19 अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए, इसका PDF भी जिसको चाहिए वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाके इसका PDF आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप लोग क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल की बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? चार ऑप्शन यहाँ पे है, आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कर्नाटक जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में सबसे पहले स्थान पे कर्नाटक रहा है। और दूसरे स्थान पे हम लोग बात कर लें तो तमिलनाडु जो है दूसरे स्थान पे रहा है, तमिलनाडु। और तीसरे स्थान पर बात कर लें तो तीसरे स्थान पर जो है हमारा महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा है। ओके फ्रेंड्स, और यूपी की बात कर लें, उत्तर प्रदेश जो है सातवें स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में सातवें स्थान पे यूपी रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं क्या है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? यह पूछा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहला स्थान कौन रहा है। चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले स्थान पे दिल्ली रहा है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में दिल्ली जो है सबसे पहले स्थान पे रहा है। ये आपको याद रखना है कि यह केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले स्थान पे रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं क्या है। यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रेन के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चों का वजन औसत भार से कम है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए चार ऑप्शन है, इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 33% जो है, 33% इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यूनिसेफ के अनुसार जो है अभी बताया गया है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन के अनुसार जो है भारत में 35% बच्चे कम गठनेपन के शिकार हैं, जबकि 2% बच्चे ओवरवेट की समस्या से ग्रसित हैं। ओके फ्रेंड्स, औसत भार से जो है 33% जो है औसत भार से कम है, आपको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 6.1% और 7% रहने का अनुमान है? देखिए चार ऑप्शन आपके पास है, इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर फोर का। देखिए इसका राइट आंसर है IMF, IMF के अनुसार जो है 6.1 और 7% जो है रहने का उम्मीद है। ओके फ्रेंड्स, IMF का फुल फॉर्म मैं बता दूं तो इसका होता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको यह याद रखना है, मॉनेटरी फंड। ओके फ्रेंड्स, इसके अनुसार जो है 6.1 और 7% रहने की उम्मीद बताई जा रही है, भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है इतना रहने की उम्मीद IMF के द्वारा बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फाइव, किस पर्यावरणविद को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? देखिए इसमें राइट आंसर बताना है, किसको राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंडी प्रसाद भट्ट को जो है राष्ट्रीय एकता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 के लिए किसको चुना गया है? चंडी प्रसाद भट्ट, ये नाम आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और देखिए मैं बता दूं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो है ये जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है इसके पर में इसे जो है दिया जाता है। इसके तहत देखिए क्या होता है, 10 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाता है, 10 लाख रुपए नगद दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स,
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सूरज प्रहार कौन सा संस्करण हाल ही में आरंभ हुआ है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, कौन सा संस्करण अभी लॉन्च हुआ है जो भारत और अमेरिका के मध्य जो है आयोजित हो रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसका नाम क्या है? वज्र प्रहार। इसका कौन सा संस्करण लॉन्च हुआ है? देखिए 10वां संस्करण जो है लॉन्च हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यह देखिए कब तक चलेगा? 28 अक्टूबर तक यह चलेगा। ओके फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका के बीच जो है होने वाला यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वज्र प्रहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। चीन और नेपाल के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय बैठक के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? 4 ऑप्शन है आपको बताना है कि चीन और नेपाल के बीच जो संपन्न द्विपक्षीय बैठक हुआ है उसमें कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 समझौते जो है इसमें हस्ताक्षरित हुए हैं। 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। कौन सी आईपीएल टीम सपोर्ट स्टाफ में किसी महिला को शामिल करने वाली पहली आईपीएल टीम बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है यह पहली आईपीएल टीम जो है बनी है जो सपोर्ट स्टाफ में महिला को शामिल की है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। कौन सा राज्य निजी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसमें आपको बताना है राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, केरल जो है अभी पहला राज्य बना है जो निजी शिक्षण संस्थाओं में कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सिरियू लिली उत्सव 2019 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? सिरियू लिली उत्सव, यह याद रखना है, बहुत ही उल्टा नाम है। सिरियू लिली उत्सव 2019 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? 4 ऑप्शन है आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में यह उत्सव जो है आयोजित किया जा रहा है। वार्षिक होता है यह सिरियू सिरी लिली उत्सव। ओके फ्रेंड्स, आपको यह याद रखना है यह कहाँ आयोजित हो रहा है। यह हो रहा है मणिपुर में। आज का क्वेश्चन इतना ही। जो लोग भी पीडीएफ चाहते हैं वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ऐसे वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।